नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में स्वागत है आपका। आइए शुरू करते हैं प्रदेश भर की बड़ी खबरें, खबरें फटाफट में। आनी में प्राइमरी स्कूल टीचर ने पांचवी की दो छात्राओं को दिखाई अश्लील वीडियो, छेड़खानी भी की। आनी में मौके से फरार हुआ आरोपी शिक्षक, बच्चियों से अश्लील हरकतें करने पर गुस्साए परिजनों ने पुलिस में की शिकायत। संतोषगढ़ अजोली मार्ग पर एक स्कूटी ने रेहड़ी को पीछे से मारी टक्कर, कैमरे में कैद हुआ हादसा। नवरात्र पर ज्वालामुखी मंदिर में नारियल चढ़ाने पर प्रतिबंध, फोटो खींचने की भी नहीं मिलेगी अनुमति। हमीरपुर में न्यायपालिका कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर शुरू किया काम, ऊना में भी दिखी विरोध की ज्वाला। कुल्लू में झमाझम बारिश, लाहौल की चोटियों पर बर्फबारी, कांगड़ा में सुबह सवेरे बड़ी ठंड। राजगढ़ में भारी बारिश से भूस्खलन, शिरगुल मंदिर के पास मलबे तले दबी पिकअप, घंटों लगा रहा जाम। बिजली की तारें ना हटाई तो 24 घंटे बाद करेंगे धरना प्रदर्शन, पौंटा के निहालगढ़ में ग्रामीणों ने दिया अल्टीमेटम। मंडी में अध्यापकों की कमी पर उबली जनवादी, नौजवान सभा तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। कुल्लू के पिरडी में ऑल इंडिया राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आगाज, विभिन्न राज्यों से भाग लेंगे 200 खिलाड़ी। नोहराधार में ये कैसा विकास, आधी रात को डंडों से बांधकर 4 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ सड़क तक पहुंचाया मरीज। पद्धर के चौहार घाटी में धूमधाम से शुरू हुआ थलटुखोर सायर मेला, अगले 3 दिन तक रहेगी धूम। आजादी के अमृत महोत्सव पर मंडी में सुकन्या समृद्धि योजना पर बांटा ज्ञान, नगर परिषद जोगिंद्र नगर में 2 अक्टूबर तक होगा आयोजन। जोगिंद्र नगर में सफेद हाथी बना एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर, पार्षदों ने केंद्र के बाहर लगाया धरना प्रदर्शन। जवाली में एक बिटिया ने खोल दी सरकारों की पोल, वीडियो वायरल कर राजनेताओं को दिखाई हकीकत। खबरें फटाफट में अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।